मेरा ये विश्वास रहा है शुरू से, सेवा करनी बहुत बड़ी बात नहीं। बहुतों ने शुरू की खत्म कर दी। 8 घंटे प्रार्थना, 10 घंटे प्रार्थना करना, चर्च में कोई काम करना, ये बड़ी बात नहीं। बहुतों ने शुरू किया और खत्म कर दिया। बहुत से सेवक उठे, बड़ी अच्छी सेवकाई की, फिर खत्म हो गए। बड़ी बात यह है कि हमने जो शुरू किया हम अंत तक वैसा ही करते रहे, ये बड़ी बात। वो कोई भी काम क्यों ना हो, वो चर्च में दिया गया छोटा काम क्यों ना हो, वो प्रीचिंग का क्यों ना हो, वो बड़ा काम क्यों ना हो, ग्रेटनेस तब आपकी लाइफ में एंटर करती है जब आप कॉन्टिन्यूटी रखते हैं किसी भी काम की, जब आप लगातार उस काम को करते हैं और परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इसलिए उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, कब तक बैठा रहेगा? लास्ट तक। बोलो लास्ट तक। लिखा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया मतलब डिफेंस, मतलब परमेश्वर का हाथ आपके पीछे रहेगा, उसकी बैक आपके पीछे रहेगी, आपके डिसीजन को हेवन बैक करेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा नहीं रहने देगा, आपके हर काम में ग्रेस होगी, आपके हाथों में ग्रेस होगी, आप फेलियर नहीं होंगे, आपके बच्चे फेल नहीं होंगे, अच्छी चीजों की कमी नहीं होगी उनके पास, आपके बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, वो देने वाले होंगे। तो मेरा ये विश्वास है कि ये तभी आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप कॉन्टिन्यूटी के साथ आप लगातार इन कामों को करते हैं। यीशु मसीह का जीवन हम पढ़ते हैं मरकुस, उसकी 6 बाब को जब आप पढ़ते हो उसमें अलग अलग तरह के मिरेकल दिखाए गए, अलग अलग तरह की चीजें बताई गई। यीशु मसीह का चेलों को चुनना, 12 चेलों को भेजना, 5,000 लोगों को रोटी खिलाना, यीशु मसीह का पानी पे चलना, ये सारे मरकुस की किताब 6 बाब का हिस्सा है। उसमें एक चीज लिखी कि जब यीशु मसीह लोगों को 3 दिन से लगातार प्रचार कर रहे थे और चेलों को बोला कि इनके खाने का इंतजाम करो, तो चेलों ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, कोई ढाबा दुकान कोई होटल नहीं है आसपास, अगर हो भी तो इतने हजारों रुपया, इतने 100 दिनार हमारे पास नहीं। इसमें लिखा अगर हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें, 100 दिनार उस समय में एक बंदे की जो तनख्वाह होती थी एक दिन की, वो 1 दिनार थी, यानी 100 दिनों की तनख्वाह आज के हिसाब से। अगर वो बोलते हैं कि अगर 1,00,000 रुपया भी हो तो हम इनको खाना नहीं खिला सकते क्योंकि आसपास दुकान नहीं। अगर आप इस मिरेकल को पढ़े ध्यान से तो लिखा परमेश्वर ने रोटी को बढ़ाया और लोगों को खिलाया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या लिखा कि परमेश्वर ने अपने चेलों को मजबूर किया कि वो नाव पे चले जाएं और उसके पार पहले चले जाएं, और यीशु मसीह ने कहा मैं बाद में आऊंगा। और यीशु मसीह अकेला लोगों के साथ थे, लोगों को मिल रहे थे, लोगों को सी ऑफ कर रहे थे। और उसके बाद लिखा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चले गए, और जब प्रार्थना खत्म हो गई, जब यीशु मसीह नीचे आए नाव के पार जाने के लिए, पानी के पार जाने के लिए जहां चेले गए थे, तो नाव नहीं थी, तो यीशु मसीह पानी पे चल के उसके पार जाने लगे। अपने पड़ोसी को बोलो लास्ट तक, बोलो अंत तक। यीशु मसीह ने भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसमें लिखा जो जय पाए, जो अंत तक स्थिर रहे, उसे मैं जीवन के पेड़ में से खाने दूंगा। कई बार लिखा उसे मैं एक पत्थर दूंगा जिसपे उसका नाम लिखा होगा, व्हाइट पत्थर दूंगा। अलग अलग परमेश्वर ने परिभाषाएं दी हैं और विक्ट्रीज की वर्सेस दी हैं जो अंत तक खड़ा रहेगा और जो जय पाएगा। आमीन। अब आपने ये ध्यान से समझना है कि ये क्या है जो मैंने अंत तक बना के रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद अपने चेलों को मजबूर कर दिया कि तुम भाग जाओ, मैं लोगों को सी ऑफ करके आता हूं, और सी ऑफ करने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए चले गए, क्योंकि मेरा ये स्ट्रांगली मानना है अगर आपकी क्रिश्चियनिटी आप तक खत्म हो गई आप एक फेल क्रिश्चियन हो, क्योंकि परमेश्वर आपका नहीं, वो आपके वंशों का परमेश्वर बाइबल कहती है। उसके पास कोई शॉर्टकट प्लान नहीं, इसीलिए वो आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता आपको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसका प्लान लंबा है, उसको जल्दी नहीं है हमारी तरह। बिली ग्राम जो 99 साल के होके प्रभु में गए, उनका बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम
आज प्रचार करते हैं, 67 यानी 67 ईयर्स का है, उनका पोता प्रचारक है, उनका पड़पोता प्रचारक है। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रेसिडेंट सेरेमनी में इनके परिवार के बिना नहीं होती। पहले बिली ग्राम खुद होते थे, अब उनका बेटा होता है। परमेश्वर ने कुछ भी अगर आपको बुलाया तो उसने आपको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बुलाया, एक बिग प्लान है परमेश्वर का। अब मैं बताता हूं उस प्लान को पूरा कैसे करना है, डिवाइन असाइनमेंट को पूरा कैसे करना है। जो परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा उस तक पहुंचना कैसे, क्योंकि अगर परमेश्वर ने सोचा तो शैतान ने भी सोचा कि नहीं। यीशु मसीह ने एक वचन आज मैं पढ़ रहा था, बड़ा हैरान करने वाला और बड़ा दिमाग से सोच। उसने कहा जो तुम बोओगे तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें अधिक दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह, मैंने बोया क्या? अगर मैंने केयरलेसनेस बोई, मैं केयरलेस हूं प्रेयर में, कई नहीं की बोने में केयरलेस हूं, हां फास्टिंग की नहीं की, केयरलेस हूं, तो यीशु मसीह ने कहा जो तुम बोओगे ज्यादा काटोगे। तो तुम भी सोचोगे कि परमेश्वर केयरलेस क्यों है मेरे लिए, वो सोचता क्यों नहीं मेरे लिए, मैं ऐसा क्यों इतने सालों से। यीशु मसीह ने कहा तुमने केयरलेसनेस बोई, केयरलेसनेस काट ली। तुम केयरफुल हो मेरे लिए, मैं केयरफुल हूं तुम्हारे लिए, बल्कि ज्यादा हूं, जो तुम बोओगे अधिक काटोगे। हमें मैं आपको ये आज आपका भाई, आपका अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते एक सलाह देना चाहता हूं। प्रार्थना करो रोज, लेकिन आज करनी कैसे मैं आपको बताता हूं। डेनियल लिखा 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, सुबह दोपहर शाम। एक दिन मैं सुबह उठा, ऐसा नहीं कि एक रात पहले मैंने डेनियल पढ़ा था या एक हफ्ता पहले मैंने डेनियल की पुस्तक पढ़ी थी तो मेरे सामने आ गया। जैसे ही मैं सुबह उठा होली स्पिरिट ने मुझे कहा डेनियल, और कोई पढ़ा नहीं मैंने डेनियल, कोई दिमाग में नहीं, कोई सोचा नहीं, होली स्पिरिट ने बोला। सोचना अपने दिमाग से और पवित्र आत्मा का बोलना, इसमें फर्क है, और मैच्योर लोग इस फर्क को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और परमेश्वर यह चाहता था जब मैंने डेनियल की पुस्तक खोली कि मैं 3 टाइम रोज उसके सामने जाऊं। क्यों? मॉर्निंग आपको प्रभु के सामने जाना जरूरी है, उसका रीजन है। क्या रीजन है, क्यों जरूरी है? सुबह सुनो, आप अपने कॉन्टेक्ट से पहचाने जाते हो। कौन है ग्रेट? बोलते ये बहुत ग्रेट इंसान है, इससे सीएम मिलने आते हैं। ये बड़ा ग्रेट इंसान है, इसको पीएम फोन करते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? कैसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ वहीं तक जाएगी। और जब आप मॉर्निंग प्रेयर करके जाओगे अच्छे लोग आपको मिले। मॉर्निंग यानी दिन की शुरुआत, यानी एक ऐसा दिन जिस परमेश्वर ने मुझे दिया, और एक ऐसी योजना के तहत कि आज परमेश्वर कोई फल मुझे देना चाहता है, या जो कुछ परमेश्वर चाहता है उस पे मैं कब्जा कैसे करूं। अगर मैं बिना प्रार्थना उस दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं नुकसान कर रहा हूं अपना, क्योंकि पूरा दिन मुझे फल मिलने, पूरा दिन मेरे हाथों के कामों ने मुझे बरकत देनी, पूरा दिन लोगों ने मुझसे मिलने, पूरा दिन अंधकार की शक्तियों के साथ मेरी फाइट है, शरीर के साथ मेरी फाइट है, और जो परमेश्वर की बुलाहट मेरी लाइफ में है उसके तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे प्रार्थना की जरूरत है। मॉर्निंग आप जल्दी में हो, बिना प्रार्थना किए चले जाओगे क्योंकि काम बहुत है। उस दिन का रिजल्ट नोट करो, और उस दिन का भी करो जिस दिन आपने प्रेयर की और काम पे गए।
करो रिजल्ट नोट, वो एक दिन में तो नहीं, दो दिन में तो नहीं, लेकिन एक मंथ में आपको समझ आने वाली कि क्या फर्क है बिना प्रार्थना जाने का और प्रार्थना करके जाने का। जितने भी ग्रेट व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर में अपने सफर को खत्म किया सक्सेसफुली, बीच में नहीं छोड़ा, उन सब से पूछो, प्रेयर उनकी लाइफ का एक अटूट हिस्सा अंग रहा है। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है, दोपहर को रोज प्रार्थना करो, दोपहर या शाम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे मैं नौकरी में हूं, क्या आप लंच टाइम नहीं जाते हो, क्या लंच नहीं करते हो नौकरी में, करते हो कि नहीं करते हो? अगर आपका कॉन्शियस प्रार्थना वाला है, अगर तो नहीं है तो एक घंटे का लंच टाइम आप सवा घंटा लगाओगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रार्थना चढ़ जाए और आपको मालूम हो जाए कि प्रार्थना करने का मतलब, महत्व और रिजल्ट क्या है, आप अपना लंच 15 मिनट में खत्म करके, चाहे आपको 15 मिनट क्यों ना मिले, आप खुदा से बात जरूर करोगे लंच टाइम, लंच टाइम या शाम टाइम आप चुनाव कर लो, सुबह दोपहर शाम, दोपहर या शाम में आप चुनाव कर लो, कौन सा चुनना है, दोपहर को या शाम को। पर ना तो सुबह रिप्लेस की जा सकती है ना रात रिप्लेस की जा सकती है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, रोटी बढ़ गई, हां हजारों लोग रोटी खा गए उसमें से, और सुनो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, चेलों को बोला जाओ, मैं कहां जा रहा हूं, प्रार्थना करने। अगर आज चमत्कार हुआ होता, हाँ आज अगर किसी चर्च में पागल चंगा हो जाए या कोई बड़े बड़े मिरेकल होने शुरू हो जाए तो पास्टर्स को फोन आने शुरू हो जाते हैं, फलाना भाई साहब मिलना चाहते हैं, ये बड़े बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं, ये बड़े मंत्री साहब मिलना चाहते हैं, हाँ, और मीटिंग चल रही है रात को, चिकन चल रहे हैं रात को 12 बजे 1 बजे तक, क्योंकि पास्टर साहब के हाथों से बड़ा मिरेकल हो गया, अब लोग मिलना चाहते हैं, और रात को पास्टर साहब मिल मिल के मदहोश होके सो रहे हैं बिना प्रार्थना के, और जब सुबह उठेंगे उसी रोटी को दोबारा बढ़ाने के लिए वो और कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, आमीन। और परमेश्वर बताएगा तू प्रेयर में था, मैंने काम किए, अब तू लोगों में, अब मैं काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपना वो मिरेकल पावर कंटिन्यू रहे, उसने इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद 5000 पुरुष अगर थे तो वो 20000 लोग थे, क्योंकि 5000 पुरुष मतलब लेडीज अलग बच्चे अलग। इतना बड़ा मिरेकल करने के बाद भी यीशु मसीह को मालूम था प्रार्थना करने मुझे वापस जाना है, आमीन। इस चर्च को बढ़ते अब सालों हो चुके हैं, और जब ये पीक टाइम है अब जिस तरह बढ़ रही है, आपको क्या लगता है मैं बिजी रह सकता हूं 24 घंटे? बड़े बड़े लोगों में, बिजनेसमैन में, पैसे वाले लोगों में, गरीब लोगों में, सब तरह के लोगों, आपको क्या लगता है जिस वजह से आप यहां बैठे हो, अगर वो वजह चली जाए तो आप यहां बैठे रहोगे? नो, यीशु मसीह को पता था मेंटेनेंस की वैल्यू क्या है, और इसीलिए इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी वो रात को प्रार्थना करने के लिए गए, और सुबह फिर एक मिरेकल हुआ, पानी पे चले। इमेजिन करो, यीशु मसीह ने एक बड़ा मिरेकल किया और बाइबल कहती है उसके चेले उसके पास आके बोले परमेश्वर बहुत से लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, फलाने चर्च का आराधनालय का सरदार तुझे ढूंढ रहे हैं, रोमन का एक खजांची तुझे ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं तो वो तुझसे बात करे तेरे मिरेकल देके। यीशु मसीह ने कहा आओ हम और कहीं भी जाएं, क्योंकि मैं बहुत सारे जगत को प्रचार करने के लिए, इसराइल को प्रचार करने के लिए निकला हूं। और यीशु मसीह ने उनसे मिलने के लिए मना करके अपने काम को कंटिन्यू रखा। हालेलुया। जब आप डिवाइन असाइनमेंट पे होते हो आपको तभी ब्लेसिंग मिलती जब वो असाइनमेंट पूरी होती, और असाइनमेंट होमवर्क काम प्रभु का पूरा करने के लिए आपको आत्मा की गाइडेंस चाहिए, और वो तभी मिलती है जब आप टोटली आपके लाइफ प्रेयर में। मैंने कहा जब अपने पड़ोसी के घर में भी जाओ तो क्या करना है, पहले किससे पूछना है, परमेश्वर से, आवाज आए चाहे ना आए, 10 साल अगर ना आई 11वें साल जरूर आएगी, हमें
आप 10 साल उससे बात करें, प्रभु मैं जाऊं या ना, आपको कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस जो है वो परमेश्वर वाला हो चुका है, प्रेयर वाला हो चुका है। आमीन। आपको बात करने की आदत हो गई, और जब आपको मालूम है मैंने सुबह प्रार्थना करनी और दोपहर को भी प्रभु को याद करना है, आप किसी को गाली निकाल लोगे, बोलो इतने, आप बोलोगे नहीं नहीं दोपहर को जाना है प्रभु के साथ। हाँ, आप कुछ गलत देखने लोगे, आप बोलोगे नहीं मैंने रात को जाना है। जब प्रेयर ही हफ्ते बाद करनी है तो 6 दिन में फिर पाप ही चलना है, कहना कोई नहीं 7वें दिन माफी मांग ला। हाँ, पर मुझे मालूम है मैंने सुबह फिर जाना है, इस प्रेयर मीटिंग के बाद मैंने फिर जाना है। आमीन। सुबह फिर जाने, दोपहर को फिर जाने, और आपकी बॉडी आपकी स्पिरिट कैप्चर करना शुरू कर देती है परमेश्वर वाली चीजों को आपकी लाइफ के लिए। आप सबसे प्यार कर सकते हो, बाइबल कहती है, पर कौन आपके करीब आए, कौन आपके गाइडेंस में रहे, ये आप डिसाइड करते हो। और आप उतने चूजी होते हो, उतने आशीषित होते हो, जितना आप परमेश्वर के करीब जाते जाते हो उतना आप आशीषित होते रहते। रात को प्रार्थना करने के लिए जरूर जाओ, क्योंकि शैतान रात को ढूंढते हैं, शैतानी लोग रात को बैठते हैं अपने तंत्र मंत्र करने के लिए, और कलीसिया रात को सोती है। यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, लिखा, और चेलों को चुना, और कलीसिया सारी रात सोती है। जरूर न करने वाले बोलते रात को आओ मुर्गा लेके, और कलीसिया रात को सोती, कौन जीतेगा? कलीसिया नहीं जीत पाएगा, वो शब्दों में जीतेगी सिर्फ, रियलिटी कुछ और बोल रही होगी। क्यों? रीजन क्या, कारण क्या? परमेश्वर ने कहा प्रैक्टिकल बनो। आमीन। उसने मैं प्रैक्टिकल बनने के लिए बोला। इमेजिन करो आप, हेरोदेस की बेटी को मालूम था कि राजा के सामने जब जाना है तो कैसे जाना है, खुश होके नाच के, तो लिखा उसके सामने नाची, उसके बर्थडे पे उसको खुश कर दिया, बोला क्या चाहिए तुझे, कहती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या चाहिए, सिर चाहिए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको मालूम था कि राजा के सामने, खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने कभी भी उदास होके नहीं जाते, और उसने यीशु मसीह को संदेश भेजा, तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। ताना मारा उसने, टांच मारी उसे। यीशु मसीह ने कहा उसे कह दो, लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते, धन्य हो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। और बाइबल कहती है कौन जीता, शैतान जीता, और उसका गला काट दिया गया। कलीसिया को मालूम है प्रार्थना करनी, उनको मालूम है बाबे लोग उनके पीछे पड़े, वो रात को सो रही। मैं ना राती सुत्ती सी, एकदम दबा पै गया। तुम रात को सो रहे थे, सिर्फ सो रहे थे, तुम प्रार्थना करके सो गए, शैतान की मजाल नहीं तुम्हारे सपने में आ जाए। मुझे भूल चुका है मुझे कि कब शैतान सपने में आके दंग किया था उसने, भूल चुका है मुझे। मतलब अगर कुछ साल पहले हो तो मैं बता दूं कि फलाने सन, मुझे भूल चुके हैं। आमीन। सपने में शैतान आ रहा है आपके, उसको डंडा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। आप सुबह प्रार्थना कर रहे हो क्योंकि आपको मालूम है आपका दिन फल वाला होना चाहिए, महीना फलदार होना चाहिए, आपके काम, आपका चलना, आपका फिरना, आपका देखना, आपका जाना, सुनना, बोलना, हर एक चीज फल वाला होना चाहिए, तो आपको सुबह प्रार्थना करके निकलना है। आमीन। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, आपको मालूम है आपको दोपहर परमेश्वर से मिलना है, आप पाप से दूर रहोगे, अगर घुस गए तो जल्दी मुड़ाओगे। आमीन। कोई गलती करोगे जल्दी बैक आ जाओगे, आपको मालूम है दोपहर को मिलना है, या शाम को मिलना है, या रात को फिर परमेश्वर के सामने जाना है, आपको मालूम है ये चीजें। हालेलुया। आपको ये बात समझनी कि लॉन्ग टाइम प्लान परमेश्वर का आपके लिए है, वो आपके वंशों तक सोच के बैठे, आपके बच्चे पड़पोतों तक सोच के बैठे, आपकी हीलिंग की वो टेस्टिमनी लिख के बैठे, डिलीवरेंस की लिख के बैठे, फाइनेंशियल की लिख के बैठे,
आपको सिर्फ उसके प्लान्स पूरे करने, जो काम उसने आपको दिया उसको पूरा करने है। आमीन। और जैसे ही आप उसके कामों में घुस जाओगे, हर वो चीज जो आपके लिए बनी आपको मिलेगी नहीं, आपका पीछा करते हुए आपको मिलेगी। परमेश्वर कहता है जब तू अपनी समझ का सहारा ना ले, अलर्ट हो, तो कहता तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य भी तुझ पे अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर भी तुझ पे अनुग्रह करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आज भी अपना जवाब देने के लिए मनुष्यों को ठहराया, लेकिन श्रापित तो वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। वो उनके लिए लिखा है, अगर आपके रिश्तेदार नॉन बिलीवर है और वो बोलते हैं अगर चर्च में गया तो तेरा नाम काट देंगे, तेरा वीजा बंद कर देंगे, स्पॉन्सर नहीं भेजूंगे, उस मनुष्य पे भरोसा मत रखो। पर कुछ डिवाइन ईश्वरीय इंसान हैं, कुछ मैन ऑफ गॉड हैं, कुछ बिलीवर्स हैं जो आपके लिए ठहराए गए हैं, और उन पर भरोसा रखने के लिए आपको बोला गया। बाइबल कहती है उन पर विश्वास करो तो तुम सफल होगे। अगर तुम मैन ऑफ गॉड पे फेथ करोगे तुम सफल होगे। मैन ऑफ गॉड पहले सफल है, तुम सफल होगे, तुम प्रॉस्पर होगे। आमेन। अपनी पड़ोसी को बोलो लास्ट तक चलना है, सुबह प्रार्थना करना है, दोपहर शाम को करना है और रात को करना है। आप तैयार है इस तरह का जीवन जीने के लिए? आप तैयार है इस तरह का मेडिटेशन, इस तरह का आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रॉपर क्रिश्चियन लाइफ, फुल ऑफ रिजल्ट, ग्लोरी, विजडम, जबरदस्त बुद्धि आप में काम करेगी। वो लोग भूल जाओ, उन लोगों को जिन्होंने आपको नीचा देखना चाहते हैं, आपको मूर्ख समझते थे, आपको सल्यूट ठोकेंगे आपको देख के। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने मित्र बना लिया परमेश्वर को, अगर आपने ऐसी दोस्ती कर ली जैसा मैं कह रहा हूं आपको, ऐसी सीरियस दोस्ती अगर प्रभु के साथ हो गई आप, हालेलुया, तैयार है ऐसा जीवन जीने के लिए? आप शुरुआत कर सकते हो सुबह आधा घंटा से। मैं नहीं कहता सारा दिन आप प्रार्थना में रहो, 6 घंटे काम ना करो, लेकिन शुरुआत हो सकती है 1 घंटे से। और कोई इतना बिजी नहीं है कि इतना टाइम प्रभु को ना दे सके। अपनी बाइबल के साथ जाना जब प्रार्थना करने जाना, तो जो भी प्रार्थना वचन के जरिए होगी जल्दी उत्तर आएगा। और जब आप वचन के जरिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, उसने कहा वो थके हुओं को बल देता है, सुनो, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अगर आप इस प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे आपको थकावट नहीं होगी। वो थके हुओं को बल देता है। कोई थक चुका है अपनी लाइफ से, अपने बिजनेस से, अपनी मैरिड लाइफ में थक चुका है, अक चुका है, परमेश्वर ने कहा वो थके हुओं को और शक्तिहीन को सामर्थ्य नहीं बहुत सामर्थ्य देता है। आप प्रार्थना करोगे इस वचन से, आप विपत्ति में, उसने कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती पर यहोवा उनको हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। उसमें लिखा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार को दिखाऊंगा। आप प्रभु को बोल सकते हो परमेश्वर इस दर्द के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, मुझे दीर्घ आयु भी चाहिए और यह दर्द भी नहीं चाहिए। पर जब आप सीरियस प्रेयर वाले इंसान होंगे और रोज बिना विषय के आप परमेश्वर के सामने भी जाते हैं, विषय लेके भी जाते हैं, लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ गूढ़ा हो चुका है, आपकी स्क्रिप्चर से की गई प्रार्थना आपको ऐसा रिजल्ट देगी आप शॉक्ड होंगे 30 डेज के अंदर। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल जब पढ़ेंगे आपके लिए वचन उसमें मिलेंगे जो आपके दिल को छूने वाले आपके लिए बने होंगे। उसमें आपके पति के लिए वचन है, आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। अगर यहां पे मोटर लगा दी जाए पानी वाली और बिजली ना हो या वोल्टेज थोड़ी हो, पानी निकालेगी नीचे से, वचन
तब काम करता है जब परमेश्वर की आत्मा की पूरी वोल्टेज आपकी लाइफ में, आप तब फिर बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे घटी। और आप जब इस वचन से तीन टाइम प्रार्थना करेंगे, मैं आपको सही चीज बोल रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोली, ऐसे जगाड़ बनेंगे सब घटियां पूरी हो। मैं आपको सही कह रहा हूं, आपके दुश्मन आपके लाइफ में पैसा बोने के लिए आएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, करके देखना। मेरे पास लिस्ट है 70 some points की, और बिना पॉइंट्स, बिना स्क्रिप्चर के बैकअप के मैं प्रार्थना में नहीं जाता हूं। हर टाइम नहीं, कुछ टाइम मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूं, क्वाइट टाइम बैठता हूं, आराम से बैठता हूं, सिर्फ गैर भाषा में बैठता हूं। कुछ टाइम मैं सिर्फ पॉइंट्स के साथ बैठता हूं। आप नोट करो पॉइंट, फिर एक नोट करना बात, जितने पॉइंट्स के लिए आपने 6 महीने प्रार्थना की, कितनों का रिजल्ट आया, आप शॉक्ड होंगे। अपना रिजल्ट देख, वो इतना हाईली सक्सेसफुल होगा। हालेलुया। वो ऐसे सिस्टम बनाएगा, वो ऐसे रास्ते खोलेगा, वो ऐसा क्या बोलूं मैं आपको, ऐसा कुछ वो वंडरफुल करेगा, आप हैरान होंगे। आपके आसपास हेल्पर्स आपके लिए आंखें बंद किए रहते हैं क्योंकि आप अलर्ट नहीं हो, उनकी आंखें बंद हैं, और वो दूसरों के लिए खुली है पर आपके लिए बंद है क्योंकि आप अलर्ट नहीं हो खुदा के साथ। अगर आप अलर्ट हो तो परमेश्वर भी क्या है, अलर्ट। जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है, उससे पहले से भी, जब से मेरी मसीह लाइफ स्टार्ट हुई, पर्सनल प्रेयर का मेरी लाइफ में पहला स्थान रहा है आज तक। मेरी पर्सनल प्रेयर अकेले में, कुछ लोग परिवार में प्रार्थना करते हैं पर पर्सनल प्रेयर नहीं, और ये सही नहीं। आपकी पर्सनल प्रेयर फर्स्ट पॉइंट होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो दरवाजे क्या कर लो, कुंडी क्या कर लो, और फिर प्रार्थना करो गुप्त से, जो तुम्हारा पिता गुप्त में देखेगा पब्लिकली तुम्हें रिवॉर्ड देगा। मेरी पब्लिकली नहीं, मेरी प्राइवेट प्रार्थना है जो आज पब्लिकली मुझे रिवॉर्ड मिला है। आपकी प्राइवेट प्रार्थना कितनी है? प्राइवेट प्रार्थना वो लोग नहीं करते जो लोग परमेश्वर से टूटे हुए हैं, जो लोग सिन में, जो लोग पाप में गलतियां कर रहे हैं, डाउट में, वो लोग प्राइवेट प्रेयर नहीं करते। मेरा ये बिलीव है कि जब आज आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध कायम कर लोगे, वो अपने ईश्वरीय पदार्थों को भेजेगा। ये वर्ड परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि इस मीटिंग आज अटेंड करने के बाद, जब आप इस वर्ड को सिर्फ अभी मानोगे, कल से वो ईश्वरीय सप्लाई आपके लाइफ में आनी शुरू होने वाली, कल से। मैंने कहा डिवाइन सप्लाई, आप फील करोगे कि कुछ हो रहा है। दूत यहां से आपके साथ जाएंगे, आपका बेस्ट फ्रेंड बनके। आपको इसीलिए कोई ऐसा साथ नहीं चाहिए जो नॉन बिब्लिकल है। अगर दूत आपके दोस्त हो और वो बेटर हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आप तैयार हो अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, क्योंकि ऐसी प्रेयर लाइफ मेंटेन करने के बाद आपको अनॉइंटिंग के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं कहोगे रो रोगे प्रभु जी आज कुछ होना चाहिए, मेरे आत्महान परमेश्वर इतने कुछ कर, आपको कुछ नहीं करने कहने की जरूरत। आपने कभी वो बच्चे देखे हैं जो अपना होमवर्क बड़ा अच्छा करके आते हैं, हाँ, फिर दूजे करते टीचर सामने, हाँ छोड़ दो जी, आइए आइए कल करके आवांगे। और जो होमवर्क वाले होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें मालूम है वेरी गुड मिलन वाला। हम उन बच्चों में से हमारा होमवर्क पूरा रहता है। बिना होमवर्क पूरा किए मैं पुलपिट पे नहीं आना चाहता हूं।
आमीन। अच्छे बच्चे बनो, ऐसे ऐसे नहीं करना फिर। हाँ कल नू कर आवांगे जी, परसों कहना कॉपी कर रहेगी जी। ये एक यूनिवर्स बहाना है। अरे पुलपेट पे आ गए तुम परमेश्वर को अब बोल रहे हो। रात को तुम कहां थे? रात को तुम बिजी थे दूसरे पास्टरों की बुराई करने, और अब तुम आवाजें लगा रहे हो कुछ नहीं होगा। लास्ट दिन पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको मालूम है कि हर एक वर्ड जो आपको दिया गया और जो कुछ आपको समझाया गया वो एक्चुअल आपको बिल्ड करने के लिए। कल को आप ना रोएं वो उसके लिए, आप फालतू के झगड़ों में ना पड़े ये उसके लिए, वो आपको बिल्ड करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे आपको शिफ्ट करने के लिए। और यही परमेश्वर चाहता है आपके लाइफ। आमीन। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, होली स्पिरिट कह रहे हैं मुझे। अगर स्ट्रांग स्पिरिचुअल लाइफ है, स्ट्रांग प्रेयर लाइफ है, आपकी दूसरी जिंदगी के बाकी हिस्से भी स्ट्रांग होंगे। वो रिजल्ट आएगा दूसरे हिस्सों में भी। अपनी लाइफ के चैलेंजेस को मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए, उन पर जीत प्राप्त करने के लिए, आपको जैसे ही मैंने प्रार्थना की जिंदगी बोली, आपको वैसी प्रार्थना की जिंदगी की जरूरत है। और बाइबल के बीच से जब आप प्रार्थना करेंगे, स्क्रिप्चर से, बाइबल से प्रार्थना करेंगे, उसका 1% भी चांस नहीं है कि वो फेल हो। वो अपने वचन को भूलता नहीं। उसने अपने नाम से अधिक महत्व किसको दिया? अपने वचन को। करना ऐसा काम, करना ऐसा। हाँ, क्योंकि मेरे प्रेयर पॉइंट्स आपसे अलग हैं, आपके अलग हैं, मेरे अलग हैं। अपने प्रेयर पॉइंट्स लिखना, आपको क्या चाहिए उसके विषय में, बाइबल के वचन ढूंढना, उनसे प्रार्थना करना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल।